हेलो एवरीवन, वेलकम टू आटा 24/7। आटा 24/7 रो ओडिया यूट्यूब चैनल को मु विभूति दास आपण समस्त वेलकम करूछि। एंड आपण माने जानि छथि एवरीडे 7 PM मु आपण मानक पई क्रैश कोर्स सेशन नै कि आस्थै। एंड एज यूजुअल आज मध्ये मु आपण मानक पई गोटे क्रैश कोर्स सेशन नै कि आस्थि, ता जनरल साइंस रो क्रैश कोर्स सेशन पिला माने। एंड आपण माने जानि छथि एही सेशन आपण को अपकमिंग एग्जाम पई बहुत हेल्पफुल हम पिला माने। एंड आज आम क्रैश कोर्स सेशन रो डे 16 रे पहुंच जाए। एंड एज यूजुअल आम कौन कर ठीक 7 ही सेशन नहीं कि आसे। एंड 15 क्लासेस अलरेडी सरी गला। आज मुझे डे 16 16 नंबर क्लासेस नहीं कि आसे। एंड आज सेशन आशा करी आपको एग्जाम बहुत हेल्पफुल हम। चलो आउ टाइम वेस्ट करवानी, फटाफट सेशन को स्टार्ट करदे। एंड आपने जानते एवरीडे 7 PM रे गोटे कथा कहे आपण को फ्रेंड मानक सहित लिंक को शेयर करदे, आपको व्हाट्सअप आपको टेलीग्राम ग्रुप रे लिंक फटाफट शेयर कर दिखते पे मैंने। एंड आउ डेरी करिबानी सेशन को स्टार्ट करदे। एंड आपण मैंने जानते एवरीडे मुझे मोटिवेट करने गोटे मोटिवेशनल थॉट नहीं कि आसता। एज यूजुअल आज मैं मोटिवेट करने गोटे मोटिवेशनल थॉट नहीं कि आसे। एंड आज मोटिवेशनल थॉट रोच हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा था तेरी बस की नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। तो पिला माने आज मोटिवेशनल थॉट टिके अटके अछि पिला माने। ओके, जीवन रे हिम्मत को केबे हारिबनी पिला माने, केबे भी हारिबो काहे कि हमको बहुत आगो को जीवार अछि। हमको बहुत आगो को जीवार अछि, हमर रेस रे हमें बहुत आगो को जीवार अछि। किछ लोक हमको कहिथिले अरे तोर एडा बस रे नै रे पिला मान, तोर एडा बस नै तू करि परिबो। जो लोक कहिथिले तू करि परिबो, तू सरकारी चाकरी आउ तू अरे यार तो दे सरकार चाकरी हबनी। जो लोक कहते ना तो दे सरकार चाकरी हबनी, से लोक को ही तुमको करके देखार अच्छे। एंड से लोक को करके देखार अच्छे। देख तू कही ना रे सरकार चाकरी करनी, देख आज सरकार चाकरी करके देखी। एंड मन रखी पिला मान जोश नहीं कि आगे बढ़े, जोश नहीं कि आगे बढ़े। एंड मुझे मो पा मान पाखे से कन्फिडेन्ट अच्छे। एंड मो पा मैंने पक्का एग्जाम को क्राक कर मो पा मैंने लाइफ रे बड़े सक्सेसफुल पर्सन बनुछन। एंड से तोरे मु छाती बाड़े के कोई भी देख ये मो स्टूडेंट ये मो स्टूडेंट से मो क्लासेस करूतले। एंड आसी मो कोई भी देख तुम मानक पई मु से दिन क्रेडिट मारबी, कोई भी देख ये मो स्टूडेंट ये प्रलिप्ता ये सिंगम ये श्रद्धांजलि ये हमर सूर्यकांत। एंड से दिन कोई भी पिला माने मो स्टूडेंट कह जाए पिला माने जो कह जाए टीचर गोटे स्ट्रेंथ थाए पिला माने। टीचर को किछि मिलेनी, गोटे मिले कोन ना टीचर को टीचर पाकर सबले गोटे जिंस थाए से जदा स्टूडेंट रो स्टूडेंट मानक स्ट्रेंथ। एंड मु जानी छी मो स्टूडेंट मानक सपोर्ट मो स्टूडेंट मानक भल पाए मो सहित अच्छे। एंड मु पक्का आकु नहीं गर्व करी अरे यार माय माने कोन आंदी माय स्ट्रेंथ माय स्टूडेंट बा माय स्टूडेंट माय स्ट्रेंथ चैलेंज करी आगु जीव पिला माने। एंड अपन माने जानी रखिया दरकार आडा स्तोरे तो डिफरेंट बेच अछि सब दिन मु अपन को कहि छी। एंड ओडिया स्टेट एग्जाम वहां पे काटा स्टोर अछि ऑनगोइंग। एंड जैसे कि अपकमिंग बेच अछि ऑनगोइंग एंड जति कि अपकमिंग बेच अछि सब बेच अपन ओडिया स्टेट एग्जाम महापैक रे पाई जे पिला माने। एंड Y2EAT पण प्रोमो कोड को यूज करिवार अछि। एंड प्रोमो कोड को यूज करि आपण बेच को एनरोल करिवार अछि। क्लियर राजेंद्र, वेरी गुड इवनिंग राजेंद्र। क्लियर आसी आसी पक्का कांटेक्ट करू छी राजेंद्र। कोन करिवा ई बिजी शेड्यूल भीतर रे बाबा जम्मा कांटेक्ट करियोनी, आसी पक्का करिवा। क्लियर चल वेरी गुड पिला माने। क्लियर राजेंद्र कांटेक्ट पक्का करू छी। ऑनगोइंग एंड अपकमिंग कोर्सेस कोडा को आपण पाइज ने Y2EAT पण प्रोमो कोड यूज करिवार अछि, ओडिया स्टेट एग्जाम आपे को एनरोल करिवार अछि। चलन पिला मन। एंड स्मार्ट इंडिया स्मार्ट प्रिपरेशन प्लाट 12% ऑफ Y2EAT पण प्रोमो कोड अछि। क्लियर एंड प्रोमो कोड यूज करी आपण बेच को एनरोल करथु। एंड मु जानी छी मो पिला माने सबटु बेस्ट पिला, तो मो पिला होछन सबटु सुना पिला। एंड तुम मानक पक्का सब हो पा भगवान पाखे ये प्रार्थना करी दिल से कौच पी मैं दिल से कौच। एंड सब बेले भगवान पाखे गोटे प्रार्थना करे ना लाइफ रे ना पी मैंने गोटे जिन मुंडिया मारे भगवान पाखे प्रार्थना कर वर्ल्ड रेक लोक अच्छा समस्त मंगल हो, कहीं वर्ल्ड रु लोक मित्र तुम्हें भी जाऊ तुम फैमिली जाऊँ एंड तुम जी की फ्रेंड्स मैंने भी जाऊँ तो जब समस्त मंगल हम अलरेडी तुम फैमिली एंड तुम मंगल हम तो सबुद भगवान पाखे ये प्रार्थना कर यो अच्छे ना पिला मैंने जो वर्ल्ड रेक भी लोक अच्छा समस्त मंगल हो। एंड सबुद गोटे कथ कहे मुझे सब प्रार्थना कर प्रभु समस्त मंगल हो। चलो
एंड वाई ट्वीट में प्रोमो कोड यूज करें अपन महापेक को लाइव क्लासेस को वीडियो कोर्सेस को टेस्ट सीरीज को बुक्स को ईबुक्स को जहां भी एनरोल कर पारी प्रोमो कोड कवदा भी भूलिबेनि वाई ट्वीट में प्रोमो कोड आपन को प्रोमो कोड चलो सेशन को स्टार्ट कर देबा पिला माने क्लियर आरंभ करबा एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपन को पाखरे ही अछि जल जल आपन समस्त ए क्वेश्चन आंसर कहबे क्लियर फटाफट आंसर कहबे पिला माने क्लियर एंड फर्स्ट क्वेश्चन आंसर समस्त कहबे फर्स्ट क्वेश्चन आपन को आगर अछि Which of the following metal form an amalgam with other metal? Jaldi answer kabi. Very good evening, Supriya Malik. Very good evening, Nigam. And very good evening, very good evening, pila mane. Priyanka and Meena Ketan and all students. Jamaane bhi mathe live solution. Samastong ko subha sandhya pila mane. Samastong ko subha sandhya. Chalo the session ko start kar diba. Jaldi session ko start kar diba. And aji madhyam apna na 50 questions nahi kaise. Aji madhyam top 50 questions nahi kaise. फटाफट आम डिस्कशन करवा फर्स्ट क्वेश्चन आंसर की संगीता वेरी गुड इवनिंग संगीता जल्दी आंसर कहते क्लियर कौन हम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एन अमलगम विथ अदर मेटल तो को मेटल दा अदर मेटल से तो मिसी की कौन करी था ना अमलगम क्रिएट करी था तो समस्त को जानी रखा दरकार पिला माने की ना मर्क्यूरी क्लियर तो मर्क्यूरी कौन करे ना अदर मेटल से तो मिसी की कौन क्रिएट करी था ना अमलगम क्रिएट करी था कौन क्रिएट करी था पिला माने आंसर कौन बना अमलगम सर अमलगम क्रिएट करता तो आंसर कौन हम आपण को मर्क्यूरी ऑल क्लियर बुझी पालो यस ऑर नो आंसर हम मर्क्यूरी क्लियर तो एंड समस्त कंसंट्रेट करके सुनिबा दरकार पिला माने क्लियर एंड अमलगम इज अ सब्सटेंस फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ मर्क्यूरी विद अदर मेटल मर्क्यूरी कोन कर अदर मेटल से रिएक्शन करके कोन क्रिएट करी थाय ना अमलगम क्रिएट करी थाय पिला माने ऑल क्लियर बुझी पालो यस ऑर नो एंड समस्त कंसंट्रेट करके सुनिया दरकार पिला माने क्लियर सिल्वर मर्क्यूरी अमलगम को कोन करा जे ना जडे की डेंटिस्ट्री मींस द डेंटिस्ट्री माने कोन करंती ना हम कोइ परबा सिल्वर मर्क्यूरी अमलगम को यूज करंती एंड गोल्ड मर्क्यूरी अमलगम को कोड यूज करा जा पिला माने समस्त कंसंट्रेट करके सुनिबे इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड फ्रॉम ओर तो गोल्ड मर्क्यूरी अमलगम को यूज करा जा गोल्ड को एक्सट्रैक्शन करिया पे डाउट क्लियर बुझी पालो एंड समस्त कंसंट्रेट करके सुने मर्क्यूरी प्लस अदर मेटल दैट इज कॉल्ड एज हम कोनो क्वेश्चन अमलगम को वेरी गुड इवनिंग राज रासारा व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय निकेल तो मतलब को निकेल द्वारा को डिजीज होछ जल्दी आंसर को व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय निकेल निकेल द्वारा को डिजीज होछ जल्दी आंसर कहबे पिला माने जल्दी आंसर कहबे बलराम जल्दी आंसर को बाबा जल्दी आंसर कहबे देखिए फर्स्ट आंसर की कोछो दी व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय निकेल निकेल द्वारा को डिजीज होछ टर्मेटिस अस्थमा इटाई इटाई नामे कोछने पिला माने जडके हमें कोछ लर्निंग डिसेबिलिटी हु कैन से जल्दी आंसर कहबे शुभम नमस्कार शुभम जल्दी आंसर कहबो जल्दी आंसर कहबे कोन भाई क्वेश्चन आंसर अच्छा आसी गला कि सोइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर रो क्वेश्चन माने आसी गला कि तार एग्जाम डेट दे देला कि अच्छा ओके केबे अछि राजेंद्र एग्जाम केबे अछि तो मन रखे दरकार पिला माने तो जदी क्वेश्चन आसला ऑब्वियसली दिस इज कॉज्ड बाय द निकेल निकेल द्वारा को डिजीज होछ तो समस्त कंसंट्रेट करके सुनिबो निकेल एलर्जी इज कॉमनली कॉज्ड एलर्जिक कांटेक्ट डर्मेटाइटिस तो मन रखे दरकार प्लान आपण जान रखे दरकार तो निकेल द्वारा को डिजीज होबो ना डर्मेटाइटिस डिजीज जेता को डिजीज पिला माने आंसर होबो डर्मेटाइटिस ऑल क्लियर बुझी पालो यस ऑर नो पिला माने क्लियर तो आपण मन रखे दरकार निकेल द्वारा को डिजीज होबो ना डर्मेटाइटिस डिजीज जेता डाउट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कर क्वेश्चन आसला सुपर कूलिंग is a cooling of liquid at which of the following points to kota ka me super cooling kochundi below freezing point ko na above melting point ko below melting point to super cooling ame kaha ko kochu jaldi answer kon acha january 22 23 acha acha okay clear acha january re date de dela nai acha thik ach thik ach rajendra matri se jo pdf tadi ke share kar dabo to telegram re okay so super cooling is cooling of liquid at which of the following points to super cooling ame kaha ko kochu jaldi answer kebe super cooling who can say एंड समस्त डी के सेशन को लाइक करी के फ्रेंड मानो से लिंक को डी शेयर कर दबे सुपर कूलिंग इज कूलिंग अप लिक्विड एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स हु कैन से की कोई परी की कोई भाई क्वेश्चन आंसर को तो समस्त जानि रखे दरकार पिला माने ना आपण जानि रखे दरकार बिलो फ्रीजिंग पॉइंट बाबू कंसंट्रेट करके सुनिबो क्वेश्चन ता भूल करिबन इजी क्वेश्चन ता भूल करल हबो की इजी क्वेश्चन ता भूल करल हबो की बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ओके सुपर कूलिंग आल्सो नोन एज अंडर कूलिंग सुपर कूलिंग का हम कोन अंडर कूलिंग कोछन पिला माने ठीक अछि तो आपण जानि रखे दरकार बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज कॉल्ड ए सुपर कूलिंग तो फ्रीजिंग पॉइंट रो बिलो टेंपरेचर का हम कोन कोछन पिला माने क्लियर ना जडा के हम कोन कोछन ना सुपर कूलिंग कोछन क्लियर दैट इज कॉल्ड ए सुपर कूलिंग ऑल क्लियर बुझी पालो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड ए सुपर कूलिंग ठीक अछि वेरी गुड इवनिंग क्लियर
नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कहो वेरी गुड इवनिंग प्रज्ञा जल्दी जल्दी आंसर कहो क्वेश्चन असला हु इन्वेंटेड बेकेलाइट व्हिच इज वन ऑफ द फास्ट कमर्शियली सक्सेसफुल प्लास्टिक ऑफ द वर्ल्ड कोई पेरे पिला माने बेकेलाइट को की इन्वेंट करितले बेकेलाइट जडे के हम कोन कोचे हम कोचे बेकेलाइट फास्ट मेनमेड प्लास्टिक मते बेकेलाइट को आसे क्लियर बेकेलाइट तो बेकेलाइट को की इन्वेंट करितले हु केनसे बेकेलाइट बेकेलाइट को की इन्वेंट करितले हु केनसे की कोई परबो बेकेलाइट को की इन्वेंट करितले जल्दी आंसर कहबे प्लान बेकेलाइट बेकेलाइट को की इन्वेंट करथ फटाफट आंसर कोन बेकेलाइट बेकेलाइट जेटा की फास्ट कमर्शियल प्लास्टिक आमे कोछन की कोई परबो बेकेलाइट ट्रीटमेंट रखि तो समस्त कंसंट्रेट करिके छोडिबो बेकेलाइट लियो बेकेलाइट ओके लियो हेनरिक बेकेलाइट पर आमे कोई पर लियो बेकेलाइट आमे कोई परबो तो लियो बेकेलाइट ही कोन करथले ना बेकेलाइट को डिस्कवर करथले केबे ना 1907 रे ओके 1907 रे बेकेलाइट को आपण जानि रखत दरकार प्लान की डिस्कवर करथले ना समस्त मन रखत दरकार प्लान बेकेलाइट डिस्कवर करथले आमे जेटा की बेकेलाइट कोछन फास्ट मेनमेड प्लास्टिक जेटा के बेकेलाइट कोछन क्लियर चलो वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कहबे यस बेकेलाइट ना बेकेलाइट तो हम कोन जो की स्विच स्विच मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर स्विच अपन इलेक्ट्रिक स्विचस ने सोच बेकेलाइट था ओके क्लियर नेक्स्ट कोन पे टिंकू हां क्वेश्चन आज कोन क्लासेस आज पूरा तुम मूड ऑफ अछि कोन हिची हां मूड काई गप बाबा सब बोले रिफ्रेश रथुआ मूड आज ऑफ हो गेल हां व्हिच मेटल हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट among all metal to mate kon e bitru ko metal ra melting point adhik tungsten name ko pra ruthenium gold na bismuth jaldi answer kon which metal has the highest melting point among all metals e bitru ka ra melting point adhik tungsten ra na ruthenium ra name ko gold ra na bismuth ra jaldi jaldi answer kon jaldi answer kar acha thik ho sir jaldi forward kar diya chalo kon ho pila mane na ka ra melting point adhik na tungsten ra कारो मेल्टिंग पॉइंट का रो देखो बाबू टंगस्टन रो वेरी गुड इवनिंग अर्पिता तो टंगस्टन रो ओके तो टंगस्टन रो मेल्टिंग पॉइंट केते आसे पिला माने 3422 डिग्री सेंटीग्रेड पाखा पे आसे 3422 डिग्री सेंटीग्रेड पाखा पे आसे कारो मेल्टिंग पॉइंट ना टंगस्टन रो जडे के हम कोन करछे ना हम इलेक्ट्रिक बल्ब रे यूज करछो टंगस्टन आपन जानछो तो इलेक्ट्रिक बल्ब रे जो हमर इलेक्ट्रिक बल्ब रो जो फिलामेंट अछि तो इलेक्ट्रिक बल्ब रो फिलामेंट आसले कोन हबो ना आपन माने मन रखे दका इलेक्ट्रिक बल्ब रो फिलामेंट आसले कोन हबो ना टंगस्टन फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब रे यूज करा छ ना नै टंगस्टन केते तर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट केते ना 3422 डिग्री सेंटीग्रेड ओके चलो वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन असला चूज द करेक्ट स्टेटमेंट डाउट क्लियर आंसर को ए भीतर कोबे ए भीतर कोटा करेक्ट व्ही व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट सॉल्ट इज फॉर्मड रिएक्शन बिटवीन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोथ ए एंड बी नॉन ऑफ द ए भीतर कोनो सिटी नो जल्दी आंसर कोबे पिला फटाफट आंसर को जल्दी आंसर दे क्वेश्चन असला व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट सॉल्ट इज फॉर्मड रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोथ ए एंड बी करेक्ट ना ए भीतर कोनो सिटी करेक्ट नो डी वेरी गुड इवनिंग बबली कोन हबो तो समस्त कंसंट्रेट करिके सुनिबो आंसर कोन हबो ना सी ऑप्शन राइट आंसर हबो काहे कि ना मु अपना जानि छथि जतल एसिड कास रिएक्शन करछि एसिड रिएक्ट विथ बेस कोन मिले आपण मन रखे दरकार सॉल्ट मिले सॉल्ट से तो कोन मिले ना सॉल्ट प्लस वाटर मिले तमे कहबो सर एग्जांपल दियंतु HCl उच एसिड ना प्लस बेस उच NaOH ना गिव्स राइज टू कोन सॉरी NaOH NaOH गिव्स राइज टू कोन मिले ना NaCl सॉल्ट मिले ता सतो कोन मिले ना वाटर H2O मिले तमे कहबो मु बार बार तमानो कहि छी अच्छा तमे मते कहिलो एसिड प्लस मेटल तले एसिड मेटल सतो रिएक्शन करबो प्रोडक्ट कोन आसे ना तमे जानि रखे दरकार पिला माने ना सॉल्ट मिले ता सतो कोन आसे ना हाइड्रोजन गैस ता लिबरेट हेते को गैस ना हाइड्रोजन गैस लिबरेट हेते तमे कहबो सर एसिड HCl सोडियम उच कोन ना मेटल ना तो कोन मिले सॉल्ट ना NaCl मिले ता सते कोन आसे ना हाइड्रोजन गैस ता लिबरेट होय तमे कहबो सर एसिड जतले कोन करे एसिड जतले कास रिएक्शन करि ना मेटल कार्बोनेट सते रिएक्शन करियो मु बार बार कोचे कोशिस मोस्ट इंपोर्टेंट पिला माने व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और हमें कहि परबा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कास रिएक्शन करियो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सते रिएक्शन करियो प्रोडक्ट कोन आसे ना समस्त कंसंट्रेट करि कि सुनिबो कार्बोनेट ठीक अछि प्रोडक्ट कोन आसे ना समस्त कंसंट्रेट करिकि सुनिबो सॉल्ट आसे सॉल्ट से तो कोन आसे ना वाटर आसे एंड ता से तो को गैस लिबरेट होछि ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होछि ऑल क्लियर बुझी पाललो यस ऑर नो ए क्वेश्चंस कोडा कासी पर आपन एग्जाम रे ए क्वेश्चंस पर जमा भूलिबो नेला व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रोडक्ट आसे सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस वाटर एंड एसिड सॉरी एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर एसिड प्लस मेटल आसे कोन सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ऑल क्लियर
चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड इवनिंग लुटेरा वर्षा, वेरी गुड इवनिंग लुटेरा बॉय सरोज। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड बाय मिलिकांस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो मते कोंदु मिलिकांस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट रे को जिनसडा जणा पडतला, मीन्स हमें जानि परबा कि हमें कार चार्ज ता विषय जानि परतले। क्लियर, चार्ज ऑफ एन प्रोटॉन, हमें कह पर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हमें कह पर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो क्वेश्चन आसला मिलिकांस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट रे को जिनसडा जणा पडतला पिला माने, हु कैन से की कह परबो, जल्दी आंसर कोंदु, जल्दी आंसर कोंदु। मुलिकांस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, हु कैन से मुलिकांस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जल्दी आंसर कहो। तो समस्त कंसंट्रेट करके सुनिबो, मुलिकान करो जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट रे कोन इलेक्ट्रॉन रो चार्ज सब विषय जणा पडतला पिला माने, ओके, टू नो द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपण जानि रखा दरकार इलेक्ट्रॉन रो चार्ज केते असे, ना -1.6 × 10⁻¹⁹ कोन असे बाबा, ना -19 कूलम्ब असे। ठीक अछि, बुझि पाललो? तो जदि क्वेश्चन असे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन असले कोन हो, ना इलेक्ट्रॉन रो चार्ज असले केते हो पिला माने, ना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज केते, ना -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब असे। ठीक अछि, एंड को एक्सपेरिमेंट रो जणा पडतला, ना मुलिकान कर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट रो जणा पडतला। डाउट क्लियर, बुझि पाललो? एंड जदि क्वेश्चन असले इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करथिले कि ना थॉमसन, आपण सब जानि रखे दरकार थॉमसन इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करथिले। एंड जदि क्वेश्चन आसला ना आपण एग्जाम रे जदि क्वेश्चन आसे लाइटेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स कोन, ना आपण जानि रखे दरकार इलेक्ट्रॉन आसे लाइटेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, म बार बार तमान को कहिछि। प्रोटॉन रो चार्ज को, प्रोटॉन को कि डिस्कवर करथिले कि ना आपण जानि रखे दरकार गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड, बार बार तमान को कहिछि, ओके, गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड। एंड आपण जानि रखे दरकार न्यूट्रॉन को डिस्कवर करथिले कि ना चादविक, न्यूट्रॉन को कि डिस्कवर करथिले, ना चादविक न्यूट्रॉन को डिस्कवर करथिले। मु बार बार तमान के क्वेश्चंस कहिछि, कदापि तमान भूलिबन। ठीक अछि, क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट इबा क्वेश्चन आसला, व्हाट इज फॉर्मड ऑफ एन मैग्नीशियम वंट, मैग्नीशियम जितले जळे कोन मिले, ना मैग्नीशियम जितले जळिला मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कोन मिले, ना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। तो तमे कहबो 2mg प्लस O2 गिव्स राइज टू 2mgO, मु कहबो ना को टाइप ऑफ रिएक्शन, तो तमे कहबो सेडा कोन, ना तमे कहबो सर एडा गुटे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सन्न पिला माने एडा को टाइप रिएक्शन आसीबो, ना एडा कॉम्बिनेशन रिएक्शन आसीबो। ये सन्न पिला माने, क्लियर, बुझी पालो ना नै, बुझी पालो पिला माने, एडा को हम की रिएक्शन कहछ, ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहछन। क्लियर सर, सी टिके ऑप्शन देखंतु, सी टा राइट ऑप्शन कहछ, ना 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 ना, आंसर हो चार्ज ऑफ इन इलेक्ट्रॉन, ओके, बी ऑप्शन राइट आंसर होला, बी टा राइट आंसर, ओके, क्लियर। एडा कोइ व्हेन फॉर मैग्नीशियम जतर जळे कोन मिले, ना मैग्नीशियम ऑक्साइड आसे, एंड आपण मन रखत के एडा की रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यस ऑर नो पिला माने, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन असला, मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस इज दिस, तो आपण जानि रखत के मास नंबर कथा पछला, द मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस ऑलवेज लेस देन इट्स एटॉमिक नंबर, नामे को पेर द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑलवेज मोर देन द एटॉमिक वेट एंड ए फ्रैक्शन, हु कैन से मते कोंतु मास नंबर ता कोन हबो, जल्दी आंसर कहिबे पिला माने। तो ए क्वेश्चन आंसर कोन हबो, ना समस्त जानि रखे दरकार, ना आपण जानि रखे था मास नंबर कोन, ता मास नंबर मींस कोन, ना मास नंबर हमें काहो कहउछंती, ना मास नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ना पिला माने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रा सम को हमें कोन कहउछे, ना मास नंबर कहउछंती। तो मास नंबर ए इज इक्वल टू कोन हबो, ना पी प्लस एन, ए इज इक्वल टू कोन हबो पिला माने, ना पी प्लस एन, एटॉमिक मास इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर आसले कोन हबो, ना आपण जानिछंती एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू कोन आसे, ना इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर, और इक्वल टू नंबर ऑफ कोन आसे पिला माने, ना नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक अछि, बामे कोन कहउछे, ना जेड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पी, ओके, क्लियर सर, जेड इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू पी, हला जेड इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू पी, ऑल क्लियर, चलो वेरी गुड। ला चार्ट टिके लेटर देखु चंदी कोचो, नाय नाय देखो, तो जो चार्ट कोडा को सब जगह कोई भी क्वेश्चन सोडा सब जगह डिस्कशन करी परी ना, ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज अ लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ओके, ठीक अछि, मु चार्ट बर्तन समस्त चार्ट देखु छी, समस्त चार्ट रे आंसर को दो, मु समस्त चार्ट देखु छी, ओके, क्लियर, आंसर को दो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज अ लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कोइ टंगस्टन, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कोन कोथली टंगस्टन, मते को लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट ए भीतर को मेटल मेल्टिंग पॉइंट लिस्ट कोना भाई, क्वेश्चन आंसर जल्दी आंसर देबे, लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट असले कोन बना, गोल्ड सिल्वर मर्क्यूरी कॉपर, जल्दी आंसर देबे, गोल्ड सिल्वर मर्क्यूरी कॉपर। तो आपण जानि रखा दरकार पिला माने, क्लियर, तो समस्त कंसंट्रेट करिके सुनिबो, ए भीतर लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट असले कोन बना, मर्क्यूरीटा, तो मर्क्यूरीटा कोन, ना लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल, ओके, क्लियर, तो आंसर कोन हबो, ना मर्क्यूरी। डाउट क्लियर, तो मर्क्यूरी मेटल इज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज़ इट फाउंड इन लिक्विड स्टेट, तो जडा कि कोन, ना लिक्विड स्टेट रे थाय, ओके, रूम टेंपरेचर हमें कहिबा को मेटल डा लिक्विड स्टेट रे था, से आपण कोन, ना मर्क्यूरी, एचजी, हला हाइड्रागाइर मर्क्यूरी, लिक्विड मेटल हैविंग हाई डेंसिटी, का पूछना में
लिक्विड मेटल हैविंग हाई डेंसिटी से कौन आसे अपना ना मर्क्यूरी आसे ठीक अच्छी चलो वेरी गुड बहुत बड़ा ओके नेक्स्ट आयरन ओर व्हिच कंटेन्स 72% ऑफ आयरन तो मतलब को आयरन ओर रे 72% आयरन अछि जल्दी आंसर कहबो को आयरन ओर रे 72% आयरन अछि जल्दी आंसर कहबो राजेंद्र जल्दी आंसर कहबो जल्दी आंसर गोरांग गोरांग जल्दी आंसर कहबो वर्षा रश्मिता सुनी कल्पना एंड सुश्री संगीता परिडा जल्दी आंसर कहबो लोटरा सरोज एंड प्रलिप्ता सुश्री संगीता परिडा गोरांग चरण दास गोरांग जल्दी आंसर कहबो बाबा सिंघम सिंघम एम एस धोनी जल्दी आंसर कहबो हाँ थंडा कथा कहोनी थंडा कथा कहोनी पूरा पूरी जो प्रकार थंडा लगुच पूरा जबरदस्त थंडा ला तम एरिया रे थंडा होची तम डिस्ट्रिक्ट गुडा रे थंडा होची ना होनी आशा करबी तम डिस्ट्रिक्ट रे मते थंडा होतो नले कोन हो हमर डिस्ट्रिक्ट रे थंडा होतो तम डिस्ट्रिक्ट रे जे थंडा ना हो कथाटा कोन हो कथाटा ठीक होउनी सब जगह रे ठीक थंडा हबार अछि ना कोन आमे एडी कष्ट रहइबो तम सेरी शांति रहइलो होइबो चल मन रखे दरकार ए आयरन ओर व्हिच कंटेन 72% ऑफ आयरन तो मते कोन को आयरन ओर रे 72% रे आयरन अछि 72% तो समस्त कंसंट्रेट करिक सुनिबा दरकार ओके तो मन रखिया दरकार केते बा आंसर हो अपन मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट रे केते ना 72% रो हेमाटाइट रे केते ना 70% रो लिमोनाइट रे केते नामे कहबे 55 to 66% रो एंड सिडेराइट रे 48% रो ठीक अछि बुझिला ना बुझिला नि पिला माने चलो वेरी गुड बहुत बडा ऑल क्लियर क्लियर बुझिला ना बुझिला नि चलो वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कहबे ग्राफाइट रॉड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर जल्दी आंसर कहबे हां जल्दी आंसर कोन पिला माने अच्छा ठीक अच्छे 5 degree Celsius अच्छा राजेंद्र तुम कौटी रोच कि तुम 5 degree Celsius कौटी मत बहुत गरम हो नाइट किंग जो बहुत गरम हो नाइट किंग जो बहुत गरम हो जल्दी आंसर कह फटाफट आंसर कह कला अच्छा ठीक अच्छे जल्दी आंसर कह क्वेश्चन था ग्राफाइट रॉड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर तो न्यूक्लियर रिएक्टर ग्राफाइट रॉड को कहीं यूज कराए हु कैन से जल्दी आंसर कह न्यूक्लियर रिएक्टर ग्राफाइट रॉड को काहे की यूज करा छे जल्दी आंसर को रिलीज एनर्जी प्रोड्यूसेस न्यूट्रॉन अंडरगो कंबशन व्हिच ट्रिगर द न्यूक्लियर फ्यूजन या हमें कोइ परबा कन्वर्ट फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इनटू थर्मल हमें कोचे प्लान जोडा के हमें कोन ना थर्मल न्यूट्रॉन्स हु कैन से जल्दी आंसर को सर हट्टा को जैकेट पाको देते ठंडा रे क्लास को ठंडा रे जणा पड़नी क्लोज रूम रे क्लासेस करू छी किछ ठंडा जणा पड़ी बार नै चलो वेरी गुड तो कोन है क्वेश्चन आंसर ना समस्त कंसंट्रेट करिके सुनिबो अपना जान रखे दरकार न्यूक्लियर रिएक्टर अपना जान रखे दरकार पे कौन करे ना फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इनटू कौन ना थर्मल न्यूट्रॉन रे कन्वर्ट करते तो समस्त कंसंट्रेट कर शुणी पे मैंने न्यूक्लियर रिएक्टर ग्राफाइट रॉड यूज इट मॉडरेटर आप समझ जान रखे दरकार पे मैंने इज इट मॉडरेटर हिसाब से यूज कर समझ जान रखे दरकार पे मैंने नाइट किंग जॉय कौन कह अच्छा ठीक अच्छे जहाँ अच्छे कही दि छाती खोलिकी मुह खोलिकी आत्मा खोलिकी कह दि जहाँ कहार नाइट किंग जॉय तो समस्त कंसंट्रेट करके सुनिबो न्यूक्लियर रिएक्टर हमें कोन कोछना मॉडरेटर हिसाब रे यूज करछन ओके मॉडरेटर हिसाब रे यूज करछन का ना ग्राफाइट ठीक अछि सी टा ठीक आंसर हबनि बाबा क्लियर तो मन रखे दरकार पिला आंसर बा डी ऑप्शन कन्वर्ट फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इनटू थर्मल न्यूट्रॉन हला बा हमें कहि परबा कोन कहि परबा न्यूक्लियर रिएक्टर हमें कोन करछन ना हमें जो ग्राफाइट के छ मॉडरेटर हिसाब रे यूज करछन जे कि कोन करे ना न्यूट्रॉन रो फ्लो टा को स्लो डाउन कर दिए पिला माने ओके चलो वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कहबे जल्दी आंसर कोन नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कहबे पाइरुलोसाइट पाइरुलोसाइट जल्दी आंसर कहबे पाइरुलोसाइट इज एन ओर एंड मिनरल ऑफ डैश जल्दी आंसर कहबे पाइरुलोसाइट इज एन ओर ऑफ जल्दी आंसर कहबे फटाफट आंसर कहबे देखिए फर्स्ट आंसर की क्वेश्चन दी जल्दी आंसर कहबे पाइरुलोसाइट इज एन ओर एंड मिनरल ऑफ कैन से कौन हो मर्क्यूरी मैंगनीज आई लव यू सर बहुत खुशी लगे अपन को क्लास अरे धन्यवाद love you night king joy love you baba and emiti tomaro bhalpaya miliya darkar and emiti tomanako support emiti tomaro bhalpaya miliya darkar and mu janichi mane mo pila manako bhalpaiwa sabu din emiti milibo kai kina apananko bhalpaiwa and apan manakor support bibhuti das ke porjanto rakhi chi pila mane and bibhuti das emiti thibo emiti tomano bhalpaiwa sabu din miliba darkar love you pyrolusite is an ore mineral of car ore ta pila mane kuantu clear to koi pariba car ore ta मर्क्यूरी ना मैंगनीज ना मॉलिब्डेनम ना लीड कोन होबे क्वेश्चन आंसर तो मारी पाइरुलोसाइट अपन मन रखे MnO2 कारोर ना मैंगनीज रो कारोर बिला माने ना मैंगनीज रो ओरटा ठीक अछि ऑल क्लियर बुझि पालो तो मैंगनीज रे डाउ छि ओरटा पाइरुलोसाइट ठीक अछि क्लियर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन असला इल्मेनाइट हु कैन से इल्मेनाइट इल्मेनाइट इज एन ओर ऑफ जल्दी आंसर को जल्दी आंसर को इल्मेनाइट
ओर एंड मिनरल ऑफ इल्मेनाइट का कारो टिटानियम रो ना कॉपर ना लीड ना मैंगनीज जल्दी 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 आंसर पे फटाफट आंसर कौन इल्मेनाइट कार ओर टा टिटानियम कॉपर लीड ना मैं कोई परिभा मैंगनीज रो जल्दी आंसर कौन से माने क्वेश्चन देखिए शुभम चिंदा को जो साडी संबलपुरी कोतु मते संबलपुरी आसुनी संबलपुरी मते आसुनी तमे सिखे दियो सिखे दले पक्का कहबे आंसर कोन कोन बोले माने क्लियर इल्मेनाइट इज एन ओरेट मिनरल ऑफ टिटानियम अपन कॉपर अपन लीड अपन मैंगनीज अपन तो समस्त कंसंट्रेट करिक सुनिबो इल्मेनाइट का रो ना इल्मेनाइट इज द ओर ऑफ टिटानियम हला ठीक अछि टिटानियम आयरन ऑक्साइड बाद जड़ा के टिटानियम रो ओर आसे कोन इल्मेनाइट ऑल क्लियर एंड मन रखे दरकार मून क्रॉस जदी आसे which element is most abundantly present in moon cross that is titanium mala moon cross ta ko element ro pariman adhik achna titanium ro thik achi chala very good bahut badhiya next thank you rajendra which inert gas mixed with oxygen is to give in to the patient suffering from the restricted breathing to mate ko to ko inert gas ta ko oxygen soito misike pila mane jo mane ki breathing problem ja rahe the samana ko diya jae pila mane koi paribo xenonam na kryptonam na helium helium na argon na jaldi answer answer kon jaldi answer kon अच्छा तापस कुमार प्रधान हम सुना पिला तापस आंसर को जल्दी आंसर करबे ओके व्हिच इनर्ट गैस मिक्स विद ऑक्सीजन इज गिवन टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड ब्रीथिंग तो आपण जानि लेखा दरकार को इनर्ट गैस यूज करना हीलियम के यूज करते ऑल क्लियर बुझी पालो तो हीलियम गैस त कोन करा जे ना ऑक्सीजन से त मिसई कोन करा जे ना जर कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम थे जो पेशेंट रो से पेशेंट को कोन करा जे ऑक्सीजन सिलेंडर ना थाय ना पिला माने तो सेडी हीलियम आ ऑक्सीजन रो मिक्सर को यूज करा जाय पिला माने एंड समस्त मन रखे दरकार हीलियम एंड हाइड्रोजन रे के हम कोन कोचे ना हम यूनिवर्स रो हम कहिबा यूनिवर्स हमें कहीं मोस्ट अबाउंडेंट गैस इन यूनिवर्स तो यूनिवर्स का मोस्ट अबाउंडेंट गैस आसे समस्त मन रखियो हाइड्रोजन एंड हीलियम आसे ओके मोस्ट अबाउंडेंट गैस इन हमें कोई बा यूनिवर्स आसे कोन हो बा मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड हीलियम को यूज करा जाय पिला माने जेटा की सिलेंडर ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द हैलोजन सीरीज तो मतलब कोन हैलोजन सीरीज रो मोस्ट हमें कोई बा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ता कोडा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हैलोजन सीरीज रो जल्दी आंसर पेपर इन सेशन को समस्त लाइक करी के फ्रेंड मान को सब के लिंक को शेयर करबो हैलोजन सीरीज रो हमें कोई परबा कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ता कोडा वेरी गुड इवनिंग सौभाग्य जल्दी आंसर कोन जल्दी आंसर कोइबो फटाफट आंसर कोन तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द हैलोजन सीरीज तो हैलोजन सीरीज रो अपन जान छथि मु कहितली 15 आसले पिकोजेन 16 आसले अपन जान छथि पिला चालकोजेन 17 आसले हैलोजन 18 आसले कोन कहितली ना इनर्ट गैस और जेकि नोबेल गैस को कहितली 15 नंबर ग्रुप होची पिकोजेन ओके जदि क्वेश्चन 16 नंबर ग्रुप आसले कोन हो अपन जान छथि चा कोन आसे चालकोजेन 17 नंबर ग्रुप आसे हैलोजन एंड 18 नंबर ग्रुप आसले कोन होची नोबेल और इनर्ट गैस ग्रुप एलिमेंट तो क्वेश्चन आसला तो हैलोजन ग्रुप रो हमें कोई परे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ता कोडा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन हैलोजन सीरीज तो कोन बे क्वेश्चन आंसर ना आपन मन रखे दरकार कोन बे क्वेश्चन आंसर ना फ्लोरीन ता ऑल क्लियर बुझी पालो ये सुनो फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द हैलोजन ओके क्लियर तो आंसर हो फ्लोरीन सी आंसर हो दैट इज फ्लोरीन ओके वेरी गुड नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज द न्यूक्लियर फ्यूल इन रिएक्टर तो न्यूक्लियर फ्यूल हिसाब रे कोटा को यूज करा जाय पिला माने जल्दी आंसर को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज ए न्यूक्लियर फ्यूल इन रिएक्टर तो रिएक्टर रे न्यूक्लियर फ्यूल हिसाब रे कोडा को यूज करा यूरेनियम रो को आइसोटोप ता यूरेनियम 237 ना 238 ना 235 ना 233 जल्दी आंसर कहबो न्यूक्लियर फ्यूल हिसाब रे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर रे कोडा को आइसोटोप ता यूज करा जल्दी आंसर कहो हडंतर ना अच्छा ठीक अछि ओके 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 ठीक अछि आंसर कोंतु आंसर कहबो जल्दी आंसर कहो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज ए न्यूक्लियर फ्यूल इन रिएक्टर तो न्यूक्लियर फ्यूल हिसाब से कोडा को यूज करा जाए तो समस्त कंसंट्रेट करके सुनिबो यूरेनियम 235 हला तो यूरेनियम 235 को कोन ना न्यूक्लियर फ्यूल हिसाब से यूज करा जाए पिला मन ऑल क्लियर बुझी पालो तो यूरेनियम कोन हो ना यूरेनियम 235 ओके एंड मन रखे तो के कार्बन 14 सी 14 को फॉसिल रे जाने पे यूज करा जाए पिला मन हला कार्बन 14 को कोन करा जाए ना फॉसिल रे जाने पे यूज करा जाए पिला मन ऑल क्लियर वेरी गुड नेक्स्ट which of the following phenomenon is considered responsible for the global warming to mate kondu e bitru ko phenomenon da global warming pai considered jaldi answer kondu answer of chlorine hobo plan chlorine hobo okay next jaldi answer kebe which of the following phenomenon is considered responsible for global warming to jaldi answer kebe to global warming pai ko ta responsible na greenhouse effect apan jansan pila mane
ग्रीन हाउस गैस रो परिमाण बढ़िया तरह कोन छने ग्लोबल वार्मिंग जरे के में कोन को छे ना विश्व तापमान होइत है ओके त आंसर हबो ए ऑप्शन राइट आंसर हबो ऑल क्लियर ए ऑप्शन राइट आंसर हबो ओके यस ऑन बुझिलो त हमें ग्रीन हाउस गैस पडा कोन छने वाटर वेपर असे कार्बन डाइऑक्साइड असे मीथेन असे हला नाइट्रस ऑक्साइड असे ए सब जको कोन आ दरे कोन हेते ना ए होची ग्रीन हाउस गैस पडा को आ दरे कोन हेते ना आपन को अपना जानि रखत ग्लोबल वार्मिंग हेते जरे के मोडिया रखत विश्व तापमान होइत है नेक्स्ट द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी सिचुएटेड सिचुएटेड ओइ पर नेशनल केमिकल लेबोरेटरी को जगह रखछि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी को जगह रखछि न्यू दिल्ली रे ना बेंगलोर रे ना पुणे रे ना पटना रे जल्दी जल्दी आंसर कहबो देखियो फर्स्ट आंसर के कहउछ तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कथा आसले समस्त कंसंट्रेट करके सुनिबो क्लियर जडा कि पुणे रे अछि कोडे छि ना पुणे रे नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इज प्रेजेंट इन पुणे ओके केबे एस्टेब्लिश हेतला 1950 रे नेक्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एवं द फॉलोइंग ए भितर मते कोन ए भितर कोटा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जल्दी आंसर कोन जल्दी आंसर कोन ए भितर कोटा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सोडियम ना ब्रोमीन ना क्लोरीन ना ऑक्सीजन जल्दी आंसर कहबो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जल्दी आंसर कहबो फटाफट आंसर कहबो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सोडियम ब्रोमीन क्लोरीन ऑक्सीजन हु कैन से की कोई परबे क्वेश्चन आंसर तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपन सब जानि छथि पिला मन आंसर कोन माने क्लोरीन ओके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप अपन जानि छथि पिला माने क्लियर समस्त कंसंट्रेट करिके जानिबो ए जो एलिमेंट गुडा देली सोडियम देली ब्रोमीन देली क्लोरीन देली ऑक्सीजन देली ए भितरु मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट असल समस्त कंसंट्रेट करि छनिबो फ्लोरीन तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट व्हाइल फ्रांसियम इज वन ऑफ द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो फ्रांसियम रा लीस्ट असे मोर असले कोन बरा फ्लोरीन कदा भी तमान भूलियो पिला माने एंड सल्फर कथा जदि असे सल्फर इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो सल्फर असले मन रखे तो सल्फर होची सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होची सल्फर ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की कोइबो फटाफट आंसर कोइबो पिला माने फटाफट आंसर कोइबो देखे फर्स्ट आंसर की क्वेश्चन फर्स्ट आंसर की क्वेश्चन देखिबा ए क्वेश्चन आंसर कोन होबो पिला माने जल्दी देखिबा के फर्स्ट कोइबे फर्स्ट की कोइबे देखिबा एंड सेशन को समस्त डी लाइक करे कि व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप रे डी लिंक को शेयर करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लर्नर नाम से डाटा जेबा दरकार द नेम ऑफ साइंटिस्ट न्यूलैंड मेंडलीप एंड डोबरेनर आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट तो मते कोइ परियो कि न्यूलैंड को कथा से कि आपन को हमें कोइ परबा मेंडलीप्स को कथा से कि हमें कोइ डोबरेनर को कथा से तो कास्ट एसोसिएटेड समय जेडी आंसर कोइबे आसी बहुत क्वेश्चंस अछि बिलाने पीरियोडिक टेबल वाला क्वेश्चंस ही अछि एंड पीरियोडिक टेबल वाला क्वेश्चंस आपनके एग्जाम पई बहुत इंपोर्टेंट तमान जानि छौ पीरियोडिक टेबल वाला क्वेश्चंस तमा रेलवे एग्जाम पई केते इंपोर्टेंट एसएससी एग्जाम पई केते इंपोर्टेंट अपकमिंग जे कोनो से एग्जाम पई पीरियोडिक टेबल वाला क्वेश्चंस केते इंपोर्टेंट तमे मते कोइबार भी आवश्यकता नै तमे निजे जानि छौ केते इंपोर्टेंट ओके नेम द साइंटिस्ट न्यूलैंड मेंडलीप एंड डोबरेनर एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ डैश तो ऑब्वियसली अपन जानि रखे दरकार कास्ट एसोसिएटेड तो ऑब्वियसली अपन जानि रखे दरकार आंसर कोन ना पीरियोडिक टेबल ओके they are associated with the development of periodic table to mon rakha dorkar to newland octave asla ame koi pa doberenor triad asla mendelieff periodic table asla to semane kon korthala periodic table ki develop karitile and apan jani rakha dorkar father periodic table kotha di ase to mon rakha dorkar bilne father periodic table ame ka kochhanti na mendelieff ko kochhanti okay mendelieff ko ame kon kochhana father periodic table kochhanti but jodi question asla father of exam jodi question ase father of modern periodic table okay father of kon ase na modern periodic table पीरियोडिक टेबल तो मॉडर्न पीरियड टेबल असले कोन आबो पिला माने ना मोस्टली हला मॉडर्न पीरियड टेबल असले मोस्टली आसे पीरियोडिक टेबल असले मेंडली पबो ओके चलो वेरी गुड नेक्स्ट न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ वन प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन ओनली वन इलेक्ट्रॉन ओनली जल्दी आंसर कहबो न्यूक्लियस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ जल्दी आंसर कहबो न्यूक्लियस हाइड्रोजन एटम रो न्यूक्लियस ता न्यूक्लियस रे कोन था ना गोटे प्रोटॉन दीटा न्यूट्रॉन ना हमें कोई परबा गोटे इलेक्ट्रॉन ओनली जल्दी आंसर कहबे वन प्रोटॉन प्लस टू न्यूट्रॉन ना वन इलेक्ट्रॉन ओनली जल्दी आंसर कहबे क्वेश्चन आंसर कोन हो फटाफट आंसर कहबो तो ऑब्वियसली अपन ना आंसर कोन हो ना क्वेश्चन आंसर कोन हो ना वन प्रोटॉन ओनली ओके तो हाइड्रोजन रो अपन जानि रखा दरकार पाने हाइड्रोजन हमें कोचे मोस्ट हाइड्रोजन एटम हैव न्यूक्लियस ओके कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोटॉन तो हाइड्रोजन एटम रो न्यूक्लियस रे कोन था ना गोटे सिंगल प्रोटॉन थाय पिला माने एंड अपन जानि छथि ओके एंटर एटॉमिक मास समस्त कंसंट्रेट कोई की सुनिया दरकार पिलाने एंटर एटॉमिक मास कोडी कंसंट्रेट इथे ना एटॉमिक मास इज कंसंट्रेट इन न्यूक्लियस ओके क्लियर एटॉमिक मास ता कोडी कंसंट्रेट इथे ना न्यूक्लियस रे कंसंट्रेट इथे एंड आपण जानि रखे दरकार पिलाने क्लियर एंड समस्त कंसंट्रेट करी की सुनिबो क्लियर एंड काहे ना एटॉमिक मास इज इक्वल टू सम ऑफ कोन कहतली ना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस तो एंटर एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन दिस enter atomic mass of an atom concentrated in nucleus because both proton and neutron are present in nucleus a negative charge particle that is called as electron are revolving around the nucleus in an orbits okay very good next latin word formica means ant apan janchandi latin word kon formica means ant the name formic acid is derived from latin word because of this jaldi answer koibo
କାହିଁକି ଆମେ କ'ଣ ନା ଆମେ କହିପାରିବା ନା ଆମେ କହିପାରିବା କାହିଁକି ଆମେ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଫର୍ମିକା ମାନେ ଆଣ୍ଟ ଓକେ ତାର ନେମ୍ ଫର୍ମିକ ଏସିଡ୍ ଇଜ୍ ଡିରାଇଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଲାଟିନ୍ ୱାର୍ଡ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କାହିଁକି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଫର୍ମିକ ଏସିଡ୍ଟା କାହିଁକି ଲାଟିନ୍ ୱାର୍ଡରୁ ଡିରାଇଭ୍ ହେଇଛି ସାର୍ କିଛି ଗୋଟେ କରୁନ ଆଚ୍ଛା ନବୀନ ପାଣ୍ଡେ ଏଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋତେ ଲାଇଭ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ପେଡ୍ ବେଚ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ପେଡ୍ ବେଚ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି କେବଳ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପାଇଁ ଏଣ୍ଡ ଏନ୍ଟିପିସି ପାଇଁ ଓକେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଏନ୍ଟିପିସି ପାଇଁ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଏଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସର ଷ୍ଟାଟିକ୍ ବାଲା ଏଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସର କେବଳ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଏଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁଯାକ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ଏଇ ସେସନ୍ରେ ମୋର ମୁଁ ଗୋଟେ ପେଡ୍ ସେସନ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସୁଛି ହେଲା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସୁଛି ପେଡ୍ର ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ 150 ଆୱାର୍ସର 150 ଘଣ୍ଟାର ସେସନ୍ ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଆଉ ସାଇନ୍ସର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଯେତିକି ଏକ୍ସାମ୍ରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଆସୁଛି ସବୁଯାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତ ଓବିୟସ୍ଲି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ନା ସି ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଓକେ କାହିଁକି ନା ଦିସ୍ ଏସିଡ୍ ୱାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଅପ୍ଟେନ୍ ବାଇ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଟ ତ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟିଂ ନେଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟିଂରେ କୋଉ ଏସିଡ୍ ଅଛି ନା ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଫର୍ମିକ ଏସିଡ୍ ଅଛି ବା ଯୋଉଟାକି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ମିଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଛି ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ନା ସି ଏସିଡ୍ ହବ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ପ୍ଲାମ୍ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଫର୍ମିକ ଏସିଡ୍ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଫର୍ମିକ ଏସିଡ୍ଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା ରେଡାଣ୍ଟରେ ଅଛି ନା ରେଡାଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଫର୍ମିକ ଏସିଡ୍ ଅଛି ନା ତ ଆପଣ ଫର୍ମିକ ଏସିଡ୍ ବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ମିଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ମିଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲ ଇଏ ସମ ଚାଲ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ଲିୟର ନେକ୍ସଟ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ବଡି ମେଟାବଲାଇଜ୍ 1 gram ଅଫ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ତ ମତେ କହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମର ଫ୍ୟାଟ୍ ମେଟାବଲାଇଜ୍ ହେଲେ କେତେ କିଲୋ ଜୁଲ୍ର ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥାଏ ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କହିବ କେତେ କିଲୋ ଜୁଲ୍ର ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥାଏ ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କହିବ ସବୁଯାକ କଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁଯାକ କଲେକ୍ଟେଡ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କେମିତି କି କହିପାରିବି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଦ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ମତେ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଏମାଉଣ୍ଟର ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହବ ପିଲାମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର ଲଭ୍ ୟୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆଣ୍ଡ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତମେ ତମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମୋ ଆଡ଼ା ଟିମ୍ର ଯେତିକି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବହୁତ 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 ସଫଳତା ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବି କଲିଗ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ଦି ରୁହନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ହେପି ରୁହନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଯାଉ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆଣ୍ଡ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ମତେ ଏମିତି ମିଳିବା ଦରକାର ଲଭ୍ ୟୁ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଦ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ବଡି ମେଟାବଲାଇଜ୍ 1 gram ଅଫ୍ ହିଟ୍ ଓକେ 1 gram ଅଫ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମର ଫ୍ୟାଟ୍ ମେଟାବଲାଇଜ୍ ହେଲେ କେତେ କିଲୋ ଜୁଲ୍ର ଏନର୍ଜି ମିଳିଥାଏ ତ ସମସ୍ତେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଶୁଣିବ 39 kilojoule କଦାପି ତମମାନେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଓକେ ଦ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ବଡି ମେଟାବଲାଇଜ୍ 1 gram ଫ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 39 kilojoule ଗୋଟେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଦରକାର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଫ୍ୟାଟ୍ ମେଟାବଲାଇଜ୍ ହେଲେ କେତେ କିଲୋ ଜୁଲ୍ର ଏନର୍ଜି ଲିବରେଟ୍ ହେଇଥାଏ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର 39 kilojoule କଦାପି ତମମାନେ ଭୁଲିବନି ପିଲାମାନେ କେତେ କିଲୋ ଜୁଲ୍ର ନା 39 kilojoule ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କହିବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ ଲସ୍ଚର ଅଫ୍ ମେଟାଲ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଗ୍ୟାସ୍ ଲସ୍ଚର ଅଫ୍ ମେଟାଲ ହୁଁ ସେ ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କହିବେ ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କହିବେ ଲସ୍ଚର ଅଫ୍ ମେଟାଲ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଟ୍ସ ହାଇ ଡେନ୍ସିଟି ଇଟ୍ସ ହାଇ ପଲିସିଂ ଆମେ କହିବାରେ ଇଟ୍ସ କେମିକାଲ ଯୋଉଟା କି କ'ଣ କହୁଛେ ଇନର୍ଟେନ୍ସ ବା ଆମେ କହିପାରେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ମୁଁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର ଆନ୍ସର କହିବ ଲସ୍ଚର ଅଫ୍ ମେଟାଲ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଲସ୍ଚର ଅଫ୍ ମେଟାଲ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଲସ୍ଚର ଅଫ୍ ମେଟାଲ କେନ୍ ସେ ତ ଲସ୍ଚର ଅଫ୍ ମେଟାଲ ବାର ବାର ତମମାନଙ୍କୁ କହିଛି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଓକେ କ୍ଲିୟର ଲସ୍ଚର ଅଫ୍ ମେଟାଲ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ତ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ପିଲାମାନେ ନା ମେଟାଲଟା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରେ ଲସ୍ଚର ଅଫ୍ ମେଟାଲ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏର ମେଟାଲ ଆର୍ ଗୁଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମେଟାଲ ଆର୍ ଗୁଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମେଟାଲ କ'ଣ ନା ଗୁଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ଗୁଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ନା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲ ଇଏ ସମ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର ଚାଲ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କହିବି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କହିବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିଲି ଆଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଆଡ଼ା ଷ୍ଟୋର୍ରେ ପ୍ରଦୀପ ସାରଙ୍କ 5000 ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ବାଲା ବେଚ୍ ଅଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା 2.0 ବାଲା ବେଚ୍ ଅଛି ଇ ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ା ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ପ୍ରତିଭା ବେଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଣକ୍ୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବେଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଭିପ୍ସା ଏସବୁ ବେଚ୍ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ା ଷ୍ଟୋର୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ସମ୍ଭବ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବେଚ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆଡ଼ା ଷ୍ଟୋର୍ରେ Y281 ପ୍ରମୋକୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କରି ଆପଣ ବେଚ୍ କନ୍ଭର୍ଟ କରିପାରିବେ ନେକ୍ସଟ ଫିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ମେଟାଲ ହେଜ୍ ଏନ୍ ଓର୍ ନେମ୍ ଇଟ୍ ଗାଲେନା ତ ମତେ କୁହନ୍ତୁ କୋଉ ମେଟାଲ ରୋର୍ଟା ହଉଛି ଗାଲେନା ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଗାଲେନାଟା କୋଉ ମେଟାଲ ରୋର୍ଟା ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କହିବେ ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କୁହ ଦେଖିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନ୍ସର କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆନ୍ସର ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କହିବ
which of the following metal has an ore name galena matlab kon ko metal ro ore ta hoji galena jaldi answer kahibo jaldi answer kahibo which of the following metal has an ore name galena satyaranjan tike hobo classes rela kahiba ko podiyo product jodi ame rakhichu tike kahibo satya hala tame kichi objection kari paribani me hala clear which of the following metal has an ore name galena thik achi nickel copper iron lead who can say ki koi paribo kono bhai question answer which of the following metal has an ore name galena nickel ore galena na copper ore galena iron ore galena lead ore galena who can say ki koi paribo pila mane to apana sam jani rakha dorkar kar ore ta hoch galena to galena is the main ore of lead to mon rakha dorkar lead ore hoch kon na lead ore hoch galena okay galena da kar ore na lead ore doubt clear बुझी पालो ये सन पे माने एंड अपना समस्त जानी रखा दरकार पिला माने ठीक अच्छे क्लियर व्हिच एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट व्हिच एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन ए कंपाउंड टू क्लासिफाई इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को एलिमेंट प्रेजेंट था जल्दी आंसर कहो व्हिच एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन कंपाउंड टू क्लासिफाई इट्स इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो कहि परबे कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड रे क्लियर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड रे को एलिमेंट प्रेजेंट अछि जल्दी आंसर कहो व्हिच एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन ए कंपाउंड टू क्लासिफाई एज इट ऑर्गेनिक कंपाउंड जल्दी आंसर कहो जल्दी आंसर कहो फटाफट आंसर कहो तो मन रखी ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स व्हिच एलिमेंट कार्बन हला ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स बा हम कोचे ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड से एलिमेंट था ने कार्बन था ठीक अछि एंड जेतु सेति में ऑर्गेनिक कंपाउंड रो एज को डिटेक्ट करया पई कोन करे जना कार्बन डेटिंग करा जा अपना सब जानि छ बा फसिल रे जानि पई कोन करे जना कार्बन डेटिंग करा जा ठीक अछि वेरी गुड नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज एन ऑर्डर दैट इज सिमिलर टू द ऑर्डर ऑफ रोटेन एग तो मते को गैस रो स्मेलटा रोटेन एग रो स्मेल से समान रोटेन एग रो स्मेल से समान हु कैन से को गैस रो स्मेलटा रोटेन एग रो स्मेल से समान पचे अंडर ऑफ स्मेल से समान हु कैन से की कह परबे क्लियर तो समस्त कंसंट्रेट करके सुनिबा दरकार पिला माने को गैस रो स्मेल दा पचे अंडर स्मेल से समान तो अपना जानि रखे दरकार हाइड्रोजन सल्फाइड ओके तो आंसर कोन हो ना हाइड्रोजन सल्फाइड अपन जान छथि H2S रो गैस रो स्मेल दा हाइड्रोजन सल्फाइड रो स्मेल दा रोटेन एग रो स्मेल से समान तो आंसर कोन हो हाइड्रोजन सल्फाइड ओके क्लियर बुझिले ना पिला माने चलो वेरी गुड नेक्स्ट डैश गैस गिव एन ऑरेंज ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू इट इट जनरली यूज्ड इन फ्लोरोसेंट लाइट तो मते कोन फ्लोरोसेंट लाइट रे को गैस ता यूज करे जल्दी आंसर कहबो फ्लोरोसेंट लाइट रे को गैस यूज करे जल्दी आंसर कहबो क्लियर जल्दी आंसर कहबो हां तापोस आंसर कोइ चल बाबा फ्लोरोसेंट लाइट रे को गैस ता यूज करा जे हु कैन से की कह परबो फ्लोरोसेंट लाइट रे को गैस यूज करा जे जल्दी आंसर को सभी साथी सुगता राजेंद्र सुश्री रश्मिता आयुष इप्सिता अभियम टिंकू जल्दी आंसर कहबो तो को गैस यूज करा छे फ्लोरोसेंट लाइट रे नियॉन गैस यूज करा छे को गैस पिला माने नियॉन गैस यूज करा छे ठीक अछि क्लियर बुझिलो तो नियॉन गैस गिव्स एन ऑरेंज ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट तो मन रखे नियॉन गैस त कोन करथन ऑरेंज ग्लो देथा जतल कोन करा छे ना इलेक्ट्रिसिटी ता दे पास होय ओके एंड जनरली नियॉन गैस इज यूज्ड इन फ्लोरोसेंट लाइट पेड पेज रा मोर थ्योरी क्लासेस होची एंड राजाराम रथ तमे जानी रखियो दरकार थ्योरी क्लास हमर जति पेड क्लासेस चलची सब जक सब्जेक्टिव वाइज क्लासेस होची नेक्स्ट डेस आर स्टेबल नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल फाउंड इन ऑल एटम्स मते कोंतु कोटा स्टेबल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जडा कि ऑल एटम्स रे प्रेजेंट है फोटोन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो इडा इजी क्वेश्चन हम कोइ रख इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ता कोन ना इलेक्ट्रॉन होची नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जडे के एटम रे थाय पिला माने ऑल क्लियर बुझी पाल त आंसर कोन हो ना इलेक्ट्रॉन हो यस ऑन नो पिला माने यस ऑन नो एंड हमें कहू छे सबटा लाइटेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल असला समस्त कंसंट्रेट करिक सुनिबो इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल व्हिच इज प्रेजेंट इन एन एटम ओके बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट एंड इलेक्ट्रॉन इज द कोन ना लाइटेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन एटम तो एटम रे हम कहि पारे जदी लाइटेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स असले कोन ना इलेक्ट्रॉन हो ओके आंसर कोन हो ना इलेक्ट्रॉन हो ओके चलो वेरी गुड बहुत बढ़िया नेक्स्ट डेस इज द प्राइमरी एसिड प्रेजेंट इन राइप बनाना कहि पारे हो पाचला कदळी रे को एसिड अछि राइप बनानास व्हिच इज द प्राइमरी एसिड प्रेजेंट इन राइप बनाना हु कैन से क्लियर
कौन भाई क्वेश्चन आंसर जल्दी आंसर कर डेस इज द प्राइमरी एसिड प्रेजेंट इन राइप बनाना तो समझ मन रखे दरकार मालिक एसिड इज प्रेजेंट हमें कुछ मालिक एसिड इज द मेन प्रिंसिपल एसिड प्रेजेंट इन राइप बनाना ओके तो जति के हमें मन रखे दरकार साइट्रिक एंड ऑक्सैलिक एसिड आर प्रेजेंट इन राइप बनाना तो समस्त कंसंट्रेट करके सुनिए दरकार पिला माने मालिक एसिड आर प्रेजेंट है तो अपन हमें कोई परबे मालिक एसिड आर प्रेजेंट इन हमें कुछ ना पिला माने जक हमें कुछ नाम जडा की प्रिंसिपल एसिड पूछन कोडर था ना बनाना था ऑल क्लियर बुझी पालो ये सब नो एंड अपन जान रखे दरकार बनाना क्वेश्चन छि ना जडा के हमें कोन पूछन मालिक एसिड ठीक अछि कौन हम क्लियर बुझला ना बुझला नहीं अरे टिंकू कौन हला एते राग काई की हां नेक्स्ट जॉइंट प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन इज कॉल्ड एज दिस जॉइंट प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन जल्दी आंसर कौन वेरी गुड बाबा फॉस्फोरिक एसिड कोका कोला ना कार्बोनिक एसिड कोका कोला जल 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 पानी पिए नाइट किंग जॉय कोका कोला होची कार्बोनिक एसिड हां चलो वेरी गुड बहुत बढ़िया तो जॉइंट प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन इज कॉल्ड एज दिस कोन अब आंसर समस्त कंसंट्रेट करके सुनिबो वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन जॉइंट प्रोसेस का हम कोन कोचे ना सब्लिमेशन कोन कहबे ना सॉरी बोला डिस्टिलेशन को आसे हला क्लियर कोन अब आंसर समस्त मन रखे दरकार पिला माने डिस्टिलेशन हला क्लियर आंसर कोन अब डिस्टिलेशन हला डिस्टिलेशन प्रोसेस अब हला क्लियर डिस्टिलेशन अब सब्लिमेशन अब क्लियर सी राइट आंसर अब हला बुझिले ना नहीं नेक्स्ट जल्दी ना आंसर को अरे टिकु कौन है रागी रागी इमोजी गुटे गुटे छोड़ो तो आज कौन बल्लो लावनी मत कौन तुम रागो मुंह देखले बल्लो लावनी टी हसो मुंह छाड़ो Next, dehaes is the process by which water vapor in air and dehaes is the process by which water vapor in air in the air is changed into liquid water. Answer koi. Clear? Co process re pila mane kon hobo na water ta kana na vapor re convert hei jibo and tapare kon hobo na change hobo liquid water co process re. Nai nai tumme kon koilo ये मु यार पाठ पढौछ तमे सेटा कोछ तमे अलगा डिस्कशन चलै छ त सेति पई टिंकुडा उडे रागी रागी उडे उडे इमोजी छाडू छी हां हे टिंकु कोन हला ना समस्त उडी हसि अरे तमे माने हसिले तमे माने हसिले न रे तमे माने जदि हम मु त चाहौ छी समस्त सब दिन इमिति हसु दिबे सब दिन क्लासेस करती बट क्लासेस से ठीक सीरियसली हम क्लासेस करिया पड़े हला टेस्ट इज द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर वेपर इन द एयर इज चेंज्ड इनटू लिक्विड वाटर कोन अब आंसर हम कोया दरकार ना क्वेश्चन आंसर कोन अब दैट इज कंडेंसेशन हला तो कंडेंसेशन प्रोसेस रे कोन अब ना वाटर वेपर जे लिक्विड रे कन्वर्ट अब को प्रोसेस रे प्रेसिपिटेशन थोड़ी अब अरे इवापोरेशन रे कोन अब ना वाटर टा वेपर रे कन्वर्ट अब इवापोरेशन पोछो तो इवापोरेटेड वाटर टा जे लिक्विड रे कन्वर्ट अब को प्रोसेस रे ना कंडेंसेशन रे आंसर अब कंडेंसेशन डाउट क्लियर बुझी पल्लो एंड इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड तो क्लाउड रिस्पांसिबल क्लाउड टा किती फॉर्मेशन हेता ना कंडेंसेशन प्रोसेस रे ओके चलो वेरी गुड बहुत बढ़िया क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन असला व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ स्लेक रिलाइज जल्दी आंसर कोन व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ स्लेक रिलाइज जल्दी आंसर कोन जल्दी आंसर कोन स्लेक रिलाइज अच्छा टिंकू के कॉल करके तो परेशान करू छन बढ़िया ओके केमिकल नेम ऑफ स्लेक रिलाइज कहितली कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कैल्शियम ऑक्साइड से क्विक लाइम में पानी मिसले कोन मिले स्लेक रिलाइज सी ए OH twice कोई चना कोई नहीं हां जतले क्विक लाइम रे वाटर मिसले कोन मिले स्लेक लाइम तो क्वेश्चन कोन दला व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोड इज देखो डी ऑप्शन राइट आंसर हो ये सुन हो बना बनी अरे हो बना बनी वेरी गुड कैल्शियम ऑक्साइड थोड़ी मुंडो फटा दीबी कैल्शियम ऑक्साइड बोले अरे क्वेश्चन कोन दला रे व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ स्लेक लाइम दले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो क्विक लाइम असला कोन बना कैल्शियम ऑक्साइड हला क्विक लाइम असला CaO हला कैल्शियम लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मुंडो पटे दी जदि भूल कहबो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कहबो नेक्स्ट व्हिच केमिकल कंपाउंड इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल हु कैन से ऑयल ऑफ विट्रियोल को केमिकल कंपाउंड का ऑयल ऑफ विट्रियोल कोछन ऑयल ऑफ विट्रियोल जदि आंसर कहबो जल्दी आंसर कह ऑयल ऑफ विट्रियोल जल्दी आंसर कहबे कोडा का ऑयल ऑफ विट्रियोल कोछन कोन हो ना सल्फ्यूरिक एसिड को हम कोन कोछन ऑयल ऑफ विट्रियोल कोछन हला H2SO4 को हम कोन कोछी
ଅଏଲ୍ ଅଫ୍ ପେଟ୍ରୋଲ କହୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ H2SO4 କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କେମିକାଲ୍ସ, କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କେମିକାଲ୍ସ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସନ୍ନ ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ଆମେ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କେମିକାଲ୍ସ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଏଜ୍ ଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସନ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଏଜ୍ ଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ ଆକ୍ୟୁମୁଲେଟେଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସନ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଚାଲ ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ସୋଡିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଇଜ୍ କମନ୍ଲି ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଡେସ୍, ସୋଡିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍, ସୋଡିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ର କମନ୍ ନେମ୍ଟା କ'ଣ, ବେକିଂ ସୋଡା, ୱାସିଂ ସୋଡା, କଷ୍ଟିକ୍ ସୋଡା, କଷ୍ଟିକ୍ ପଟା, ସୋଡିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍, ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କହିବେ, ସୋଡିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍, ସୋଡିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ର କେମିକାଲ୍ ନେମ୍ଟା କ'ଣ, ହଁ ସେ ଆପ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି ଓମିକ୍ରନ୍ ପଳା ଆସିଲା। ସୋଡିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଇଜ୍ କମନ୍ଲି ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଡେସ୍, ବେକିଂ ସୋଡା, ୱାସିଂ ସୋଡା, କଷ୍ଟିକ୍ ସୋଡା, କଷ୍ଟିକ୍ ପଟା, ସୋ କେନ୍ ସେ କ'ଣ ହବ, ଜଲ୍ଦି ରାସକୁ ଗୌରାଙ୍ଗ, ଜଲ୍ଦି ରାସକ ବାବା ଗୌରାଙ୍ଗ, କ'ଣ ହବ, ଆରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ସୋଡିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଇଜ୍ କଲେଜ୍ ଟେସ୍, ତ ସୋଡିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେବେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେବେ, ଜଲ୍ଦି ଇଜ୍ କଲେଜ୍ କ'ଣ ନା ୱାସିଂ ସୋଡା, ଇଏ ସବୁ ନୁହଁ ଆନ୍ସର, କ'ଣ ହବ ନା ବି ଅପ୍ସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ, ୱାସିଂ ସୋଡା ହବ ନା ନାହିଁ, ଆରେ ହବ ନା ହବନି, ଚାଲ ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଡ଼ା। ଏଣ୍ଡ ୱାସିଂ ସୋଡାକୁ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ନା ୱାଟର ସଫ୍ଟେନିଂ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋଡିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ Na2CO3 ହେଲା, କ୍ଲିୟର, ୱାସିଂ ସୋଡା, ସୋଡିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍, ଓକେ। ଏଣ୍ଡ ସୋଡିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ NaHCO3, ତମେ କହିବ ସାର୍ ଏଇଟା କହୁଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ବେକିଂ ପାଉଡର ହେଲା, ବେକିଂ ପାଉଡର ହଉଛି NaHCO3, ସୋଡିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ବା ସୋଡିୟମ୍ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ ଆମେ କହୁଛୁ, ଓପେଇ ଠିକ, ଓକେ ନା ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କହିବ, ଫର ହ୍ୱାଟ ରେଡିଓ କାର୍ବନ ଡେଟିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ, ମତେ କହନ୍ତୁ କାହିଁକି ରେଡିଓ କାର୍ବନ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଟା କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର, ହଁ ୱାସିଂ ସୋଡା କହିଲି ନା, ୱାସିଂ ସୋଡା କହିଲି, ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କହିବ, ଫର ହ୍ୱାଟ ରେଡିଓ କାର୍ବନ ଟେକ୍ନିକ୍, ରେଡିଓ କାର୍ବନ ଡେଟିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ କାହିଁକି, ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ, ତ ରେଡିଓ କାର୍ବନ ଡେଟିଂ କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଟୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଫସିଲ, ତ ମୋ ପାଖରେ ଦରକାର, ରେଡିଓ କାର୍ବନ ଡେଟିଂ ଇଜ୍ ଦ ମେଥଡ ଫର ଡିଟରମାଇନିଂ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ କଣ୍ଟେନିଂ ଅର୍ଗାନିକ୍ ମେଟେରିଆଲ ବାଇ ୟୁଜିଂ ଦ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଦ କାର୍ବନ C14, ଫସିଲର ଏଜ୍ କୁ ଡିଟରମାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ, କାର୍ବନ ଡେଟିଂ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ, କି ରେଡିଓ କାର୍ବନ ଡେଟିଂ କାହିଁକି କରାଯାଏ ନା ଫସିଲ ଏଜ୍ କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କୋଉ ଆଇସୋଟୋପ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ କାର୍ବନ ଡେଟିଂ ପାଇଁ ନା C14, ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର, ବୁଝିପାରିଲ, ଏଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ କିଏ, ୱିଲାର୍ଡ ଲିପି, ତ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା 1960ରେ ୱିଲାର୍ଡ ଲିପିଙ୍କୁ, ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର, ଚାଲ ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କହିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା, ହ୍ୱିଚ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଆଣ୍ଟି ମେଲେରିଆ ଡ୍ରଗ୍, କୋଉଟାକୁ ଆଣ୍ଟି ମେଲେରିଆ ଡ୍ରଗ୍ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଆଣ୍ଟି ମେଲେରିଆ ଡ୍ରଗ୍, ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କୁହ, ଆଣ୍ଟି ମେଲେରିଆ ଡ୍ରଗ୍, ତ କୋଉଟାକୁ ଆମେ ଆଣ୍ଟି ମେଲେରିଆ ଡ୍ରଗ୍ କହୁଛୁ ନା, କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍କୁ ଆମେ ଆଣ୍ଟି ମେଲେରିଆ ଡ୍ରଗ୍ କହୁଛୁ, ନିଏ ସମ୍ଭବ ପିଲାମାନେ, କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍, ତ କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଣ୍ଟି ମେଲେରିଆ ଡ୍ରଗ୍ ହେଲା, କ୍ଲିୟର। ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ତମକୁ କାଲି ହିଁ କହିଥିଲି କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ଟାକୁ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ କିଏ ନା ହାନ୍ସ ଆଣ୍ଡେର୍ସେକ୍, କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ, ହାନ୍ସ ଆଣ୍ଡେର୍ସେକ୍ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ, କେବେ 1934 ହାନ୍ସ ଆଣ୍ଡେର୍ସେକ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ଟା ଡିସ୍କଭର ହେଇଥିଲା, କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଯୋଉଟା କି କ'ଣ ନା ଆଣ୍ଟି ମେଲେରିଆ ଡ୍ରଗ୍ଟା, ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର, ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁ କହିବି, ତା କମନ୍ ନେମ୍ ଆପ୍ ଡାଇକ୍ଲୋରୋ, ଡାଇକ୍ଲୋରୋ ମିଥେନ୍, କହିପାରିବ, ଡାଇକ୍ଲୋରୋ ଡାଇକ୍ଲୋରୋ ମିଥେନ୍ ର କମନ୍ ନେମ୍ କ'ଣ, ଗାଲେନା ପ୍ରିୟନ ଜିପ୍ସମ ବୋରାକ୍ସ, କେନ୍ ସେ କି କହିପାରିବ, କି କହିପାରିବ, କମନ୍ ନେମ୍ ଆପ୍ ଡାଇକ୍ଲୋରୋ ଡାଇକ୍ଲୋରୋ ମିଥେନ୍, ଡାଇକ୍ଲୋରୋ ଡାଇକ୍ଲୋରୋ ମିଥେନ୍, ତ ସମସ୍ତେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଶୁଣିବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଶୁଣୁ, ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସାମରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, କ୍ଲିୟର, ତ ସମସ୍ତେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଶୁଣିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର ହବ ବି ଅପ୍ସନ୍, ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ଫ୍ରି ଅନ୍, ଓକେ ଫ୍ରି ଅନ୍ଟା, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର, ବୁଝିପାରିଲ, କମନ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଡାଇକ୍ଲୋରୋ ଡାଇକ୍ଲୋରୋ ମିଥେନ୍ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରିଅନ୍, ତ ଫ୍ରିଅନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କହିଛି କୁଲାଣ୍ଡ ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଫ୍ରିଅନ୍ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନା କୁଲାଣ୍ଡ ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର, ବୁଝିପାରିଲ, ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା ଫ୍ରିଅନ୍ ହବ, ଓକେ କ୍ଲିୟର, ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ, ଫ୍ରିଅନ୍ ଜମା ଭୁଲିବନି, କଦାପି ଭୁଲିବନି, ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ରିଅନ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ଏଟାକି ଆମେ କ'ଣ ନା ଏଜ୍ ଏ କୁଲାଣ୍ଡ ଏଜେଣ୍ଟ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଘୋଷେଇ ଘୋଷେଇ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଛି, କଦାପି ଭୁଲ କରିବନି, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରିଅନ୍, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିୟର, କାରୋଟିନ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରୁଟ, ଆମେ କହୁଛେ କାରୋଟିନ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରୁଟ ଆଣ୍ଡ ଭେଜିଟେବୁଲ ଗିଭ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ କଲର, ତମେ କହୁଛ କାରୋଟିନ୍ଟା ଫ୍ରୁଟ୍ରେ, କ୍ଲିୟର, କାରୋଟିନ୍ଟା ଯୋଉ ଫ୍ରୁଟ୍ରେ ଫ୍ରୁଟ୍କୁ କୋଉ କଲର ଦେଇଥାଏ, କାରୋଟିନ୍ଟା ଫ୍ରୁଟ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ଭେଜିଟେବୁଲକୁ କୋଉ କଲର ଦେଇଥାଏ, ଗ୍ରୀନ୍, ପିଙ୍କ, ଅରେଞ୍ଜ, ବ୍ଲୁ, କାରୋଟିନ୍ଟା ଫ୍ରୁଟ୍ରେ ଯୋଉ କାରୋଟିନ୍ଟା ନା କୋଉ କଲର ଦେଇଥାଏ, କାରୋଟିନ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭେଜିଟେବୁଲ ଗିଭ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ କଲର, କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର, କ'ଣ ଭାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର, କାରୋଟିନ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେଜିଟେବୁଲ ଗିଭ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ କଲର, ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର କୋଉ କଲର ଦେଇଥାଏ ନା ବିଟା କାରୋଟିନ୍, ଯେଟା କି ରେଡ୍ ଅରେଞ୍ଜ ପିଗମେଣ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ତମର ରଖିବା ଦରକାର, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର କୋଉ କଲର ଦେଇଥାଏ ନା ଅରେଞ୍ଜ କଲର ଦେଇଥାଏ, ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ, ଅରେଞ୍ଜ କଲର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ୍ୟାରଟ୍ ଦେଖିଛ ନା କ୍ୟାରଟ୍, ଗାଜର ଦେଖିଛ ନା, ଗାଜର ଦେଖିଛ ନା,
গাজরে কোইসিড আছে, গাজরে কোন আছে না আপনার মনে রাখা দরকার, গাজরে কোন না ক্যারোটিন আছে, ইয়েস অর নো? তো আপনারা গাজর দেখছেন না, গাজর গাজরে কোটা আছে মানে না ক্যারোটিন আছে, অল ক্লিয়ার? বুঝি পারল? ক্লিয়ার ইমথাই না গাজর? ক্লিয়ার কোন আছে না ক্যারোটিন আছে, ক্লিয়ার? বুঝিল না? ক্যারোটিন যেটা কি গাজর সাথে কোন দেখা যায় না, আপনারা জানি রাখা দরকার, অরেঞ্জ কালার দেখা যায়, ঠিক আছে? চলো, ভেরি গুড, বহুত বড়া, ক্লিয়ার? নেক্সট, মালাচাইট, হু ক্যান সে মালাচাইট কার ওর? যেন আনসার কইবে, মালাচাইট ইজ এন ওর এন্ড মিনারেল অফ, মালাচাইট টা কার ওর অফ মিনারেল, লিড রো না ম্যাঙ্গানিজ রো না মার্কিউরি রো না কপার রো? জলদি আনসার কইবে, জলদি আনসার কইবে, মালাচাইট ইজ এন ওর অফ, মালাচাইট টা কার ওর, লিড রো না ম্যাঙ্গানিজ রো না মার্কিউরি রো না কপার রো? জলদি আনসার কইবে, জলদি আনসার কইবে, মালাচাইট ইজ এন ওর, ନା ଅଲରେଡି ଅଛି, ଅଲରେଡି ଆର ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡି, ଆପଣ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ତମେ ସେଇଠି ଚେକ୍ କରିଦିଅ, ମାଲାଚାରିଟା କାହାର ଓର, ମାଲାଚାରିଟା କାହାର ଓର ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ପିଲା, ମାଲାଚାରିଟା କାହାର ଓର ଆସେ ତା ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, କପର, ଓକେ, କ୍ଲିଅର? ବୁଝିପାରିଲ? ଆଣ୍ଡ ମାଲାଚାରିଟା କାହାର ଓର ଆସେ ନା କପର ଆସେ, ଠିକ ଅଛି? କପର, ଓକେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ହ୍ୱିଚ୍ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଫଲ୍ସ ଆବାଉଟ୍ ଏସିଡ୍, ଏ ଭିତରୁ କୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଫଲ୍ସ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା କହିପାରିବ? ଏ ଭିତରୁ କୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଫଲ୍ସ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା, ହୁ କେନ୍ ସେ କି କହିପାରିବ? ଏ ଭିତରୁ କୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଫଲ୍ସ, ହୁ କେନ୍ ସେ କି କହିପାରିବ? ହ୍ୱେନ୍ ଗିଭ୍ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ୱସ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ମୋଷ୍ଟ ଏସିଡ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଦେ ଟର୍ନ୍ସ ବ୍ଲୁ ଲିଟମସ୍ ଟୁ ରେଡ୍, ଦେ ଆର୍ ବେଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଇନ୍ ଏକ୍ୱସ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହବ? ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହବ, କାହିଁକି ନା ରେଡ୍ ଲିଟମସ୍କୁ ଆପଣ ବ୍ଲୁ ଲିଟମସ୍କୁ ରେଡ୍ କରିଦିଅ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ମୋଷ୍ଟ ଏସିଡ୍ କଣ୍ଟେନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓବିୟସ୍ଲି, ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ୱସ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ୍ ଦିଏ, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଲା ବେଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର, ତ ଏସିଡ୍ ଆର୍ କ'ଣ ନା ଗୁଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର, ହେଲା ଏସିଡ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନା ଗୁଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆସନ୍ତି, ଓକେ, ବେଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ନୁହଁ, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର? ବୁଝିପାରିଲ? ଚଲୋ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାର୍, ଆପଣ କେବେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରିପ୍ଲେ କରୁନାହାନ୍ତି, ବାବା ଗଗନ, ବାବା ଗୌରାଙ୍ଗ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ରିପ୍ଲେ କରିବି ମାନେ ଏତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରିପ୍ଲେ କରିବାଟା କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ନାଁ ଗୁଡା ଦେଖୁଛି, ଚେକ୍ ବି କରୁଛି, କମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଦଉଛନ୍ତି ନା ଦଉନାହାନ୍ତି, ଚେକ୍ କରୁଛି ବାବୁ, ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ଆଡିଂ ହ୍ୱିଚ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଗିଭ୍ସ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଟୁ ଗ୍ଲାସ୍, ତମେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା ଆଡ୍ କଲେ ଗ୍ଲାସର କଲର୍ଟା ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଆସେ, ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଆସେ, ଗ୍ଲାସର କଲର୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଆସେ, କୋଉ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଡ୍ କଲେ? ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, କୋବାଲ୍ଟ ଅକ୍ସାଇଡ୍, କ୍ରୋମିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହବ? ନା କୋବାଲ୍ଟ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ମୁଁ ବାର ବାର ତମମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଗ୍ଲାସର କଲର୍ ଯଦି ବ୍ଲୁ ଆସିବ ତ କ'ଣ ଆଡ୍ କଲେ? ନା କୋବାଲ୍ଟ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ଓକେ, କ୍ଲିୟର? ତ କୋବାଲ୍ଟ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଡ୍ କଲେ କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଗ୍ଲାସର କଲର୍ଟା କ'ଣ ସିନା ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଆସେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ୟୁରାନିନାଇଟ୍, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ୟୁରାନିନାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଓର ଏଣ୍ଡ ମିନେରାଲ୍, ୟୁରାନିନାଇଟ୍ ଟା କାର ଓର ଆଉ ମିନେରାଲ୍ସ? ସମସ୍ତେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଶୁଣିବ, ୟୁରାନିନାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଓର ଏଣ୍ଡ ମିନେରାଲ୍ ଅଫ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ୟୁରାନିୟମ୍ର, ତମର ରଖିବା ଦରକାର, ୟୁରାନିୟମ୍ର ଓର ଆଉ ମିନେରାଲ୍ଟା ହଉଛି କ'ଣ ନା ୟୁରାନିନାଇଟ୍, ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର? ଆନ୍ସର୍ ହବ ୟୁରାନିୟମ୍, ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର? ବୁଝିପାରିଲ? ୟୁରାନିୟମ୍। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ରିମୁଭର, ତ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ରିମୁଭର୍ଟା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ରିମୁଭର୍ଟା ହଉଛି କ'ଣ? ଏସିଟନ୍, ଯୋଉଟା କି ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ରିମୁଭର୍ ହିସାବରେ ଏସିଟନ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ, ସୋଡା ୱାଟର ୱାଜ୍ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଏ, ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ସୋଡା ୱାଟରକୁ କି ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ? ତ ସମସ୍ତେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଶୁଣିବ, ସୋଡା ୱାଟରଟା କେବେ ଇନଭେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା? ନା 1767ରେ, କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, କ'ଣ ନା ଜୋସେଫ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟଲେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୋଡା ୱାଟର ଡିସ୍କଭର ହେଇଥିଲା 1767, 1767 ମସିହାରେ ଜୋସେଫ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟଲେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସୋଡା ୱାଟରଟା ଡିସ୍କଭର ହେଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ଆଡିଂ ହ୍ୱିଚ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ କିପ୍ସ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଟୁ ଗ୍ଲାସ୍, ତ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଗ୍ଲାସ୍ର କଲର୍ଟା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ କେମିତି ଆସେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ତ କାହାର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବା ଗ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ଆଡ୍ କଲେ ଗ୍ଲାସ୍ର କଲର୍ଟା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଆସେ? କାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, କ୍ରୋମିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, କ୍ରୋମିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଡ୍ କଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ସମସ୍ତେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଶୁଣିବେ, ଗ୍ଲାସ୍ର କଲର୍ କ'ଣ ଆସେ? ନା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଆସେ, ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର? ବୁଝିପାରିଲ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହବ? ନା କ୍ରୋମିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର? ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଇଟ୍ ୱେନ୍ କ୍ରୋମିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଇଜ୍ ଆଡେଡ୍ ଟୁ ଗ୍ଲାସ୍ ଦାଟ୍ ଗିଭ୍ସ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଆପିୟରାନ୍ସ, ଓକେ, ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟା ଆସେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କ୍ଲିୟର ନା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, କ୍ରୋମିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଡ୍ କଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଟୁ ଦ ଟପ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟିକ୍, ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟିକ୍ର ଟପ୍ରେ କୋଉଟା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ? ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରେଡ୍ ଫସ୍ଫରସ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ସରି ପିଲାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଥିଲା, ହ୍ୱିଚ୍ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟିକ୍, ତ ସମସ୍ତେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଶୁଣିବ, ସରି ପିଲାମାନେ, ତ ଆନ୍ସର୍ ହବ ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ଟା ହବ, ସି ଏକା ହବ, କାହିଁକି ନା ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସରେ ରେଡ୍ ଫସ୍ଫରସ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ସରି ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସରେ ରେଡ୍ ଫସ୍ଫରସ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ବଟ୍ ଟିପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟିକ୍ର ଟିପ୍ରେ ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ସି ଅପ୍ସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ସେଫ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ସଚ୍ ଏଜ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ, କ୍ଲିୟର? ବୁଝିପାରିଲ? ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସରେ କୋଉଟା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ? ନା ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସ କଣ୍ଟେନ୍ ରେଡ୍ ଫସ୍ଫରସ୍, ଓକେ, କ୍ଲିୟର? ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସରେ ରେଡ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଥାଏ, ବଟ୍ ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟିକ୍ର ଟିପ୍ରେ
ঠিক আছে কিছু অসুবিধা নাই পটাশিয়াম ক্লোরাইড থাকে ওকে চলো ভেরি গুড বহুত বড় নেক্সট क्वेश्चन আসলো হু ডিসকভার্ড অক্সিজেন অক্সিজেন কো কি ডিসকভার করিলে তো ইজি क्वेश्चनটা অক্সিজেন কো ডিসকভার করিলে কি না সিচেল ডিসকভার করিলে কার্ল সিচেল এন্ড জোসেফ প্রিস্টলে আপনা জানি রাখা দরকার কেবে না 1772 রে নেক্সট क्वेश्चन আসলো কইবো ভোপাল গ্যাস ট্র্যাজেডি কথা আসলা তো ভোপাল গ্যাস ট্র্যাজেডি আপনা জানি রাখা দরকার মিথাইল আইসোসিয়ানাইড ইউজ করা হইতলা ভোপাল গ্যাস ট্র্যাজেডি এন্ড কেমিক্যাল ফর্মুলা আপনা সম জানছন্দি C2H3NO কেবে হইতলা December 2, 1984, Bhopal ro Union Carbide Factory re jo tragedy hi thala pila mane ame ko je Bhopal gas tragedy re hi thala hala Union Carbide Factory jo ki Bhopal ro okay and apna jani rakha tha ada story different page achi and apna jo chahu chundi page ko enroll kare pai promo code ki use kare page ko enroll kari paribe Y281 promo code use kare pai bhuli bani Pratigya 2.0 odia 5000 mcq wala session ebook mod ada story available ho target pratibha page and chanakya foundation page soito अभिप्सा ए सो बेच मध्ये अडा स्टोर अवेलेबल अछि Y281 प्रोमो कोड यूज करे आपण ए बेच कोड एनरोल करि परिबे एंड ऑनगोइंग एंड अपकमिंग बेच कोड को पाए पई आपण माने समस्त जेला कि ओडिया स्टेट एग्जाम महापेक को मध्ये एनरोल करि परिबे एंड स्मार्ट इंडिया स्मार्ट प्रिपरेशन फ्लैट 12% ऑफ महापेक लाइव क्लासेस वीडियो कोर्सेस टेस्ट सीरीज ई बुक्स बुक्स रे आपण को फ्लैट 12% जो डिस्काउंट मिलिबो प्रोमो कोड Y281 को यूज करे पई भूलिबेनि ताले ठीक 4 डार आसीबे आपणन पई स्टैटिक रो सेशन नै कि एंड ठीक 17 डार आसीबे आपणन पई साइंस रो सेशन नै कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने तो अपन भी सब्सक्राइब कर ही देंगे एंड अपना ने प्रोमो कोड को यूज़ करिए अपने जमा बुलियन बिलान स्टार्टिंग सेशन चार्टा एंड साइंस सेशन ठीक साथ था थैंक यू एवरीवन मिसिबा काले ठीक चैरिटर थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट एवरीवन गुड नाइट एंड समस्त घरे रहंतु परफेक्टली प्रिपरेशन करंतु एंड अपन को जो जहां भी ड्रीम हो से ड्रीम को बहुत शीघ्र अपना ने फुलफिल करंतु थैंक यू एवरीवन मिसिबा काले ठीक चैरिटर थैंक यू